फाइनली गाइस अपनी बिरयानी सर्व होके आ चुकी है, हैदराबादी चिकन दम बिरयानी। वाओ गाइस कितनी अच्छी लग रही है गाइस। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं दानिश फूडी। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी चिकन दम बिरयानी। देखते हैं गाइस इसकी रेसिपी कैसे है और बहुत टेस्टी बनती है गाइस। गाइस हमने कढ़ाई ले ली है, चिकन को अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे, फिर इसमें चिकन डालेंगे इस तरीके से। ये हमने 1.5 किलो चिकन लिया है। ये देखिए अपनी सामग्री है, ये हमने ले लिया है एक प्लेट में। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या है और कितनी कितनी क्वांटिटी में है। ये हल्दी है 1/2 टेबल स्पून, ये पिसे मिर्चे हैं 2 टेबल स्पून, ये पिसी धनिया है 2 टेबल स्पून, ये पिसा गरम मसाला है 1.5 टेबल स्पून, ये सिया जीरा और छोटी इलायची 1 टेबल स्पून, ये हैदराबादी बिरयानी मसाला 1.5 टेबल स्पून, ये सौंफ 1/2 टेबल स्पून, ये पिसे मिर्चे, आप चाहें तो इसको चटनी ऐसा बना सकते हैं या तो आप थोड़ी कुटी टाइप की रख सकते हैं 2 टेबल स्पून, ये पिसा नमक 3 टेबल स्पून। अब देखिए गाइस इसको किस तरीके से मिक्स करते हैं। हम पिसी हल्दी डाल रहे हैं, ये पिसा मिर्चा डाल रहे हैं, ये पिसी धनिया डाल रहे हैं, ये पिसा गरम मसाला, ये पिसा सिया जीरा और इलायची पाउडर। अब डालना है हैदराबादी बिरयानी मसाला, ये सौंफ, कुटी मिर्चे, ये पिसा नमक। ये हमने जो पाउडर की सामग्री थी वो डाल दी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही 300 ग्राम, अब हम ऐड करेंगे देसी घी 2 टेबल स्पून, अब हम ऐड करेंगे पुदीना, अब हम ऐड करेंगे हरी धनिया, अब हम डालेंगे इसमें प्याज। ये 2 प्याज हैं मीडियम साइज की, इसको हमने डीप फ्राई कर लिया है और इसको क्रश कर लिया है। अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे। ये अब सारी सामग्री ऐड हो चुकी है, अब इसको मैरिनेट कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 नींबू के रस, नींबू ऐड करने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। गाइस चिकन को अच्छी तरीके से मैरिनेट कर दिया है, अब इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। हम लोग ने जो चिकन मैरिनेट के लिए रखा था उसको 1 घंटा हो चुका है, वो अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुका है। अब इसमें कढ़ाई रख दी है, अब गैस ऑन कर लेंगे। अब कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ये वही ऑयल है जिससे प्याज को डीप फ्राई किया था। ऑयल अपना गर्म हो चुका है, अब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन भूनेंगे। अब कढ़ाई में मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दिया है, अब इसको थोड़ा सा चला लेंगे। अब इसको फुल फ्लेम में पकने देंगे। चिकन को कढ़ाई में 80% गलाना है और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। और इसको 25 मिनट से आधे घंटे तक पकाना है अच्छी तरीके से। इसका पानी पूरी तरीके से भूनना है हम लोग को। फाइनली अपने चिकन ने ऑयल छोड़ दिया है और ये अच्छी तरीके से भून चुका है।
अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब चलते हैं रेसिपी की नेक्स्ट स्टेप में। तो देखिए 1.5 किलो चावल हमने फुलो दिया है, इसको 2 घंटे हो गए फूले हुए। ये देखिए हमने भगोने में पानी ले लिया है, अब गैस को ऑन करते हैं। ये गैस अपनी ऑन हो चुकी है, अब थोड़ा सा पानी गर्म होने देंगे। देखिए ये हमने काली मिर्च ले ली है, ये बड़ी इलायची ले ली है 1 ठो, ये छोटी इलायची ले ली है 5 पीस, ये हरे मिर्चे ले ली हैं 6 पीस, ये सिया जीरा है, ये फूल है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, और ये तेज पत्ता है। अब इसको हम इसमें ऐड करते हैं इस तरीके से। अब इसमें लास्ट में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा चला लेंगे इस तरीके से। अब इसको ढक के रख देंगे इस तरीके से, थोड़ा पानी खौल जाएगा, फिर उसके बाद चावल ऐड करेंगे इसमें। अपने पानी में खौल आ चुकी है, अब इसमें ऐड करेंगे चावल। चावल भिगाए हुए करीब हमको 2.5 घंटे हो चुके हैं, अब पानी में खौल भी आ चुकी है, तो अब इसमें ऐड करेंगे चावल। अब इसको इस तरीके से ढक के रख देंगे। अब इसको ढक के रख देंगे जब तक चावल अपना पक रहा है, जब तक थोड़ा वेट करते हैं। चावल अपना पक चुका है, अब इसको अच्छी तरीके से पसा लेंगे। अब आगे का प्रोसेस बिरयानी को दम में लगाने का। इस तरीके से चावल की लेयर बना लेंगे। अब इसमें चिकन ऐड करेंगे। अब इसमें देसी घी ऐड करेंगे। अब इसमें हरी धनिया ऐड करेंगे, पुदीना ऐड करेंगे, फिर इसमें केसर मिल्क ऐड करेंगे, अब इसमें चावल ऐड करने के बाद फिर से चिकन ऐड करेंगे, चिकन ऐड करने के बाद फिर से इसमें धनिया ऐड करेंगे, फिर पुदीना ऐड करेंगे, फिर केसर मिल्क ऐड करेंगे, फिर देसी घी ऐड करेंगे, अब फिर चावल ऐड करेंगे। चावल ऐड करने के बाद फिर से चिकन ऐड करेंगे, चावल ऐड करने के बाद फिर देसी घी ऐड कर देंगे। केसर मिल्क ऐड करेंगे, पुदीना ऐड करेंगे, धनिया ऐड करेंगे, धनिया ऐड करने के बाद प्याज ऐड कर देंगे, गैस ऑन करने के बाद तवे के ऊपर बिरयानी रख देंगे। अब इसमें रख के इसमें कपड़ा ऐसे लगा देंगे क्योंकि एयर ना निकल पाए। कपड़ा लगाने के बाद इसको ऐसे ढक देंगे। 2 मिनट तक अपनी दम बिरयानी को हाई फ्लेम में दम में लगाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसको लो फ्लेम में कर देंगे और इसको 20 मिनट तक इसी तरीके से लो फ्लेम में दम में लगी रहने देंगे। फाइनली गाइस अपनी दम बिरयानी को 25 मिनट हो चुके हैं दम में लगे हुए, अब इसको ओपन करते हैं। वाओ गाइस देखिए कितनी अच्छी लग रही बिरयानी। अब गाइस इसको हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। फाइनली गाइस अपनी बिरयानी सर्व होके आ चुकी है, हैदराबादी चिकन दम बिरयानी। वाओ गाइस कितनी अच्छी लग रही है गाइस। और गाइस ये आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज
लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये आपको रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, इसी तरीके से हम आपके लिए अच्छी अच्छी डिशेस लाया करेंगे।